माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 प्रॉफिट शेयरिंग अमंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग फंड। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 जो है आज मैं आपको कराने वाला हूँ। क्या है इसकी स्टेटमेंट भी लिखी है, सोल्यूशन भी मैंने किया है इसका। मैं समझाना चाहता हूँ कि आप इसमें देखिए कि सेक्रीफाइस और गेन कैसे करना चाहिए। इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं एक फॉर्म के अंदर, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हैं वो 2:1 में बटे हुए थे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 से दे एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, वो लाभ हानि को इक्वल बांटना चाहते हैं। जिनके पुराने शेयर थे 1 अप्रैल 2019 से पहले वो 2:1 थे, पुराने रेशियो के 2:1 थे, लेकिन 1 अप्रैल से ऐसा इफेक्ट लाना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का फर्म का जो है सम है। अब 1 अप्रैल 2019 से ये उस रेशियो को बदलकर 1:1 यानी कि इक्वल करना चाहते हैं। ये इनके ओल्ड रेशियो हो गए, ये इनके न्यू रेशियो। अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन। किसी पार्टनर ने कोई गेन किया हो तो वो भी निकालिए, और सेक्रीफाइस और कोई सेक्रीफाइस किया हो वो भी निकालिए ड्यू टू चेंज इन द रेशियो, जो रेशियो में चेंज आया है वो। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ओल्ड रेशियो जो पार्टनर का था, क्योंकि उन 2019 से पहले 1 अप्रैल 2019 से पहले ए और बी का जो शेयर था वो 2:1 में, जो 1 अप्रैल 2019 से इनका रेशियो हो जाएगा न्यू रेशियो ए और बी का वो है 1:1। ओल्ड रेशियो मेरे बच्चे 2:1 था, न्यू रेशियो 1:1 है। अब हमें निकालना है सेक्रीफाइस का गेन, तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम लगाते हैं सेक्रीफाइस का। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आपको तो पता है, मैंने आपको थ्योरी में बता दिया है। या फिर से याद करके देखा है, एस फॉर एन सन, एस फॉर सेक्रीफाइस, ओ फॉर ओल्ड रेशियो, एन फॉर न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 था, 2/3 था। ए का न्यू रेशियो क्या था? 1:1 यानी कि 1/2। अब 2/3 में से 1/2 घटा दीजिए, आपको सोल्व करके मिलेगा 4 में से 3 चलाएगा 1/6, अर्थात ए ने अपना 1/6 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया। हमने ओल्ड में से न्यू घटाया ना, ओल्ड में से न्यू घटाने के बाद आता है जो पॉजिटिव नंबर, वो होता है हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। अगर ये पॉजिटिव नंबर की बजाय नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो सेक्रीफाइस नहीं कहलाता, फिर वो गेन हो जाता जैसे अब होने वाला है। बी निकल रहा है, ए ने तो सरेंडर कर दिया, शेयर सेक्रीफाइस कर दिया, यह हमें नजर आ रहा है 1/6। बी ने क्या किया? बी का ओल्ड रेशियो क्या है? ये सेक्रीफाइस का फॉर्मूला, बी का ओल्ड रेशियो है 1/3, बी का न्यू रेशियो है 1/2, 1/3 में से 1/2 चला गया, ऐसे में कितना आ गया 6। सोल्व करेंगे आता है माइनस के 1/6, 2 में से 3 जाएंगे, 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 1/6 आ रहा है। जब मैंने कहा कि सेक्रीफाइस रेशियो का रिजल्ट माइनस में होता है तो वो सेक्रीफाइस ना होकर क्या हो जाता है? वो गेन हो जाता है मेरे बच्चों, क्या हो जाता है? गेन। और माइनस में गेन लिखने की जरूरत नहीं, जब ये माइनस में है तब ये क्या कहला रहा है? अपने आप ही गेन कहला रहा है, 1/6 गेन किया है। तो इसका जवाब क्या हो गया कि यहाँ एक पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करता है दूसरा पार्टनर उतना ही गेन कर लेता है, एक जितना सेक्रीफाइस करता है दूसरा उतना ही गेन कर लेता है। तो ए ने यहाँ सेक्रीफाइस किया था 1/6 शेयर, और दूसरा ही सेम शेयर जो है बी ने गेन कर लिया था। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए।